और शौक है। और देखिए अल्लाह का शुक्र है, बता रहे थे कि इनकी मोर्टैलिटी रेशो ना उनके बराबर था, गलबन अगर 50-60 बच्चे आए हैं तो शायद एक आध कोई उसमें से। और इसमें मैं एक बात और ऐड करता हूँ, इसमें थोड़ा सा आप इसकी एक बैक एंड पे जो एक आपकी सोच है वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, बताइए। देखिए जी, बैक एंड पे इसको जो कहते हैं, हर किसी की डिफरेंट माइंड है, डिफरेंट सोच है। मेरे मुताबिक ये है कि आप स्मार्ट वर्क करें हार्ड वर्क की बजाय, ठीक है। पैर अच्छा लगा लें, थोड़े सा अगर एक्सपेंसिव है तो वेट करके लगा लें, लालच से या किसी को अगर आप कोई सस्ती चीज़ मिल रही है उस पर आपको कोई क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो वो उससे उस चीज़ से बचें, उससे बचें, ठीक है। और अगर आप चीज़ अच्छी ले रहे हैं जिसके अंदर कोई सप्लेट ऐड है तो उस बंदे से लें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आंखें बंद करके ट्रस्ट करेंगे उसमें ये है कि कुछ हद तक करना भी पड़ता है, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे तो आपको ठोकर भी उतरनी पड़ती है। तो इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, कई लोग ह्यूमिडिटी से बहुत घबराते हैं। ब्रीडिंग सीज़न में जो लास्ट क्लच आया मेरे पास तकरीबन 12% ह्यूमिडिटी रही है। 12% ह्यूमिडिटी में मेरे पास 5-5 बच्चे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि ये मतलब 50 से ऊपर होने चाहिए। हाँ जी, 50 से ऊपर होने चाहिए, 80 से 75। हाँ जी बिल्कुल, उसका तरीक़ेकार ये था, नो डाउट कि होनी ज़रूर चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने बर्ड देखें जहाँ पे आपका टेम्परेचर मीटर लगा है ना रूम का, तो वो रूम का है। अगर आपने दीवार के साथ मीटर लगाया हुआ है तो उसने दीवार की हीट को भी अब्जॉर्ब कर, ऐसे ही ठीक है। उसका बेहतर हाल ये है कि आप ऐसी जगह पर रखें मीटर को जब न्यूट्रल हो आपके रूम का ना, सही है। फिर उसके बाद क्या होता रहा है कि जब ह्यूमिडिटी 12% होती थी, 10% होती थी, तो रोज़ का आप अंडों के ऊपर नहीं शावर करना, बॉक्स खोल के उसके अंदर एक शावर कर दें, एक दो दफ़ा से कर दें। हाँ, एक दफ़ा कर दें, एनाफ है बस। उससे क्या होता है कि जो बॉक्स है बर्ड के ऊपर करना है, ऊपर नहीं साइड पे कर देना, ठीक हो गया। उससे क्या होता है कि बॉक्स के अंदर का जो टेम्परेचर है ना, ह्यूमिडिटी है, वो पूरी हो जाती है, जबरदस्त। जिसमें जिसकी वजह से मोर्टेलिटी बचत, बहुत अच्छी टिप है, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। शकील सर, मतलब आपके लिए भी नहीं होगी गलबन, ये टिप जो है, लेकिन उन्होंने एक और बात भी बताई है कि अंडों को बचा के। लेकिन इसमें ये भी है कि ये व्यूअर जो भी ये सुनेंगे वो ये सुन के इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं कि ह्यूमिडिटी कम हो तो हम, हाँ रखनी नहीं है, एज ए स्टैंडर्ड वही रखनी है, लेकिन इन केस के नीचे हो बिल्कुल उसका ये सोल्यूशन है एक तरह से, क्योंकि हर साल एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ह्यूमिडिटी अचानक नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, तो फिर ये उस टाइम बॉक्स भी लगे होते हैं, बच्चे भी आए होते हैं, अंडे भी होते हैं, तो हम जान को, छोटी सी जान को ज़ाया नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस वजह से हमें फिर वो स्टेप उठाना पड़ता है एमरजेंसी केस में, अदरवाइज। तो बाकी ये बताइए कि आपने आगे क्या प्लान है आपके, इसको कैसे आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, जो भी आपके रिसेंट जो नियर फ्यूचर में कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए जी, हर किसी की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरे पास हर बर्ड हो जी, लवबर्ड में हर म्यूटेशन हो, लेकिन मैं जैसे पहले बताया कि मैं क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे काम करना चाह रहा हूँ, जो कि कोशिश भी कर रहा हूँ, तो उस वजह से मैं अभी तकरीबन पेल या पैलेट तक जाने का सोच रहा हूँ अपकमिंग फ्यूचर में। अच्छा, ठीक है। इस सीज़न के लिए मेरी बाइंग पूरी है, जो कि मैंने डाइलूट तक और पेल तक तकरीबन वो ऐड ऑन कर ली ठीक है। उसके अलावा जो भी मैं करूँगा वो नेक्स्ट सीज़न करूँगा। और प्लाइन पेल फेलो की वर्किंग भी की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से ही बन गई है। चल माशाल्लाह। तो आपको अब ये बताइएगा, जो कि आपका फर्स्ट सीज़न था एक तरह से, तो आपको इसकी कुछ सेलिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आई, ये कैसे आपका वो, क्यों हर बंदा जो भी नया फैंसर होता है या नया ब्रीडर होता है उसको यही प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ को सेल कैसे करे, परचेज तो हर बंदा कर लेता है, बिल्कुल सेल कैसे करना है और एक मुनासिब रेट पर। देखें, सेलिंग का इस तरह है कि अगर तो आपका सिर्फ यही पॉइंट है ना कि आपने कमाने ही पैसे हैं, तो फिर तो आप फंस जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आप एक दो दफ़ा चीज़ बेच देंगे, तीसरी दफ़ा नहीं बिकेगी तो आप खुद को काटेंगे। सही है, ठीक है। तो पहली बात ये कि आप इस लालच से निकलें कि हमने बेचना ही बेचना है बर्ड, ठीक है। ठीक है, अगर आपने बर्ड रखा है तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखें,
कि आपका बर्ड बिकेगा। अल्लाह ताला ने अगर आपको ये सोच दी है तो बिकवाने वाला भी अल्लाह ही है, ठीक है। उसके लिए कुछ इकदाम हैं, वो ये हैं कि आपका सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके लिंक्स होने ज़रूरी हैं कि लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपके पास बर्ड्स हैं, वो लिंक्स होने ज़रूरी हैं। थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट ज़रूरी है, ठीक है। फिर रेपुटेशन और अच्छा बर्ड होना ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट से मराद आपका ये है कि जो ग्रुप्स वगैरह में हम लोग अपना मैसेज सेंड करते हैं या जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती नहीं, है? नहीं, पेड ज़रूरी नहीं है। पेड आप करना चाहें वो एक ऑप्शनल है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि लोग, अगर आपकी कोई ऐड लगती है तो अगले को पता होगा यार ये फलां बंदा है, इसकी ऐड है, यानी कि आपका एक अलर्ट चला जाए इंटीमेशन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक है, तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेल करने में ऐसा कोई इतना इशू नहीं आया, ठीक है। मैंने ज़्यादातर कमर्शियल आइटम ही ज़्यादा सेल की है अभी तक, इसमें अल्बाइनो हैं, रेड आइज हैं, क्रीमिनोज भी हैं, डेकिनोज भी हैं, उसके अलावा कुछ म्यूटेशन में मैंने सेल की है, जिसमें वाइल्ड टाइप को भी एक मैंने, क्योंकि एक्सपेंसिव है, कमर्शियल कह सकते हैं, लेकिन ये वो वाला कमर्शियल वो वाला है, ये भी सेल किया है, ठीक है। फिर ऑफलाइन कुछ सेल किए हैं। फिर अहम बात यह है जो अभी आप ऑफ द कैमरा में बता रहे थे कि आपने गलबन एक आध ऐड शेयर लगाई, शायद वो भी नहीं लगाई, लेकिन आपकी चीज़ें सेल हुई हैं। हाँ, उसकी क्या पीछे सक्सेस स्टोरी क्या है? उसके पीछे क्या कोई ऐसी कोई लॉजिक साइंस नहीं है, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट की कोई नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए। हाँ, करनी हाँ, चाहिए, जरूरी भी है। हाँ, जगह से हम सुनते हैं, देखते हैं, लाजमी है, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप नहीं हुए और आपकी सारी चीज़ें माशाला बिकी हैं। बिल्कुल बिकी, तो ये इसमें क्या हिकमत है? देखें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि आपका सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है और आपके लिंक्स होने भी जरूरी है। अच्छा, तो मैं अगर सोशल मीडिया अच्छा, पे लिंक्स है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिंक्स थे, मैं इस हॉबी में आया हूँ और इस टाइम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 लोग मेरी वजह से ये काम भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वो कोई पेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अपने घर कर रहे हैं, मैं अपने घर कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इंस्पायर होकर शुरू किया, कामयाबी से कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने अपनी बाइंग फैसलाबाद या पाकिस्तान के किन किन ब्रीडर्स से ली की है आपनी बाइंग की, ये थोड़ा सा बताएं लोगों को कि आप मेजॉरिटी आपकी किन किन लोगों से थी, ताकि उनका नाम भी सामने आ जाए कि आपने फलां से ये चीज़ें ली थी। वो इस तरह है कि मैंने बाइंग कौन सी है, शुरू में ताहिर भाई से की, ताहिर गुजर साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बड़ा नाम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाम भी है, वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन है, मिलके ये नहीं फील होता कि आप किसी गैर से मिल रहे हैं। हाँ, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, लेकिन मेरे मुलाकात भी हुई है, ये हमारे शफकत भाई बैठे हैं, इनके तो बड़े तलक वाले भी हैं, तो वेरी वेरी नाइस पर्सन। तो उसके बाद मैंने फिर जैसे जैसे अपग्रेड किया, तो मैंने सर्च किया कौन सी ब्रीड किसके पास ज़्यादा अच्छी है, जो चीज़ विजुअली देखने में मुझे पसंद अच्छा, आई वो फिर मैंने बाइक की। मैंने कासिम चौधरी भाई से, ठीक है, उनसे भी बाइक की, फिर असद भाई से भी बाइक की, किंग खान असद से, किंग असद खान, तो मेरी मोस्टली बाइक जोन सी है वो किंग खान असद से। अच्छा, ज़्यादा तो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऐसे ही हैं जैसे बड़े भाई हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। पहली दफ़ा मिल रहे हैं आप, चाहे दसवीं दफ़ा मिल रहे हैं आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा, आपकी तरह यंग से ही है माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे है। तो अब ये वो बिल्कुल फील नहीं होता कि आप किसी अननोन बंदे से मिल रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए इस वजह से मैं राजस्थान होने की गल बनी, ईसा खान बंदा कौन सा? हाँ जी, ईसा के अलावा फिर कई दफ़ा हारे होते, बिल्कुल देखा था, लेकिन यहाँ पे फैसलाबाद में आप बता रहे थे। हाँ जी, तो उसके अलावा फिर देखें बात वही है कि थोड़ा सा बाहर भी आपको निकलना पड़ता है, आप एक ही बंदे के पास रहेंगे ना तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, तो आपको आप उसी लाइन में चलते रहेंगे, इस वजह से आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी देखना है, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है। तो फिर वो लाहौर में सलमुल्लाह भाई हैं, ठीक है, वेरी वेल नोन ब्रीडर, बहुत पुराने, बहुत एक्सपीरियंस के साथ, तो उनके पास भी विजिट किया, उनसे भी मशवरे भी लिए, सीखा बर्ड भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनसे लिए। तो उसके अलावा वजाहत नवर भाई, वो भी वेरी यंग, बड़ा नाम, बड़ा नाम, और वेरी पोलाइट, और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड की क्वालिटी में, बर्ड की सेंस में, बर्ड को समझ म्यूटेशन पे बड़ा बेहतर। हाँ, उनका काम। हाँ, मैं उनकी वीडियोस खुद बड़े शौक से देखता हूँ, तो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह की हमने, तो डिफरेंट यानी कि थोड़ा बहुत फिर के ना बर्ड्स की कलेक्शन की है, अब जो कुछ है वो होम ब्रीड में है, बहुत ज़बरदस्त, तो अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सकेगा रखेंगे, जहाँ तक हो सकेगा इसको निकालेंगे, खैर करें, आपके नसीब में होगा, नसीब में होगा। अब ये बताइए कि खुदा खासा बर्ड है, लाइव स्टॉक है,
उसको बीमारी भी आ सकती है, मसला होता है, तो खुदा ना खासा आपको ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अगर हुआ तो फिर आपके पास कौन सी मेडिसिन है या आप क्या हमारे नाज़रीन को एडवाइस करेंगे कि वो कौन सी मेडिसिन यूज़ करें किस मामले के लिए? मुख्तसर साहब बता दीजिए दो चीज़ें। देखिए, सबसे पहले जो डिज़ीज़ की बात है कि मुझे ऐसा कोई डिज़ीज़ का इशू नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। अगर किसी को भी आता है तो वो सबसे पहले उसके बेसिक को समझें क्यों आया। मैंने इसी चीज़ को नोटिस रखा जिस वजह से मुझे फेस नहीं करना पड़ा किसी इशू को, जिस वजह से इशू आ सकते हैं मैंने वो इशू को ख़त्म किया। आपने रूट काज को हाँ जी ऑलरेडी मेरी रिमूव थी। जैसे कि लोग कहते हैं कि एसी चलाएं तो अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है।